बांग्लादेश, छात्र चाहते हैं अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार बने। कौन है मोहम्मद यूनुस? बांग्लादेश में इस समय हालात खराब है। सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुपचुप तरीके से इस्तीफा दे दिया और देश से भाग गई। हम लोग शांति चाहिए, जब शांति हो तो इसके बाद सेना ने देश में सत्ता संभाल ली है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाने का फैसला किया गया है। ये घोषणा 6 अगस्त को छात्र आंदोलन के संयोजकों ने की है। मंगलवार सुबह ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो में आंदोलन के प्रमुख समन्वयक नाहिद इस्लाम ने कहा कि प्रोफेसर यूनुस ने छात्र समुदाय के आह्वान पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए सहमति दे दी है। जैसे ही शेख हसीना के देश छोड़ने की खबर फैली, सैकड़ों लोग उनके निवास में घुस गए, तोड़फोड़ लूटपाट की। ये विरोध प्रदर्शन का ही हिस्सा था जिसने पिछले 15 दिनों में 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों में सुधा सदन और राजधानी के कई बड़े प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी भी हुई। लेकिन पिछले कई सालों से बांग्लादेश के लोग आवामी लीग सरकार के मंत्रियों से, सांसदों से खुश नहीं है। इसी का नतीजा है ये विरोध प्रदर्शन। पार्टी सांसदों, नेताओं के निवास, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ढाका और बाहर कई जगह हमले हुए। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अब नई सरकार के गठन के लिए सलाहकार बनाया गया। अब मोहम्मद यूनुस नई सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। इसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। यूनुस ने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की। उनके एक अभियान के लिए जो गरीबों के उत्थान के लिए था, उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार इसी वजह से मिला। वे बांग्लादेश के एक सामाजिक कर्ता हैं, एक बैंकर भी और एक अर्थशास्त्री सिविल सोसाइटी के नेता भी। 28 जून 1940 को जन्मे मोहम्मद यूनुस को यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित भी किया जा चुका है। मोहम्मद यूनुस ने 1961 से 1965 तक बांग्लादेश के चट्टोग्राम विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करके उन्होंने मॉस्को क्रेडिट के माध्यम से बांग्लादेश में एक कार्यक्रम शुरू किया। 18 फरवरी 2007 को मोहम्मद यूनुस ने नागरिक शांति नाम से एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। हालांकि लेबर लॉस के उल्लंघन के आरोप में उन्हें 6 महीने की सजा भी सुनाई जा चुकी है। साल 2012 में उन्हें स्कॉटलैंड के कैलेडोनियन विश्वविद्यालय का चांसलर भी बनाया गया। आप मोहम्मद यूनुस के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। बांग्लादेश से जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया।